हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले लेक्चर यानी कि पॉलिनोमियल के लेक्चर 4 में बहुपदों को उनके घातों के आधार पर वर्गीकृत किए थे, बांटे थे कि घातों के आधार पर भी अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि यदि बहुपद किसी बहुपद में चर का अधिकतम पावर यानी मैक्सिमम पावर जो है अधिकतम घात 0 होगा तो उसे हम लोग अचर बहुपद कहे थे, और यदि चर का अधिकतम घात 1 रहता है तो उसे हम लोग एक घाती यानी कि रैखिक बहुपद कहते थे। यदि उस चर के अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे, द्विघातीय बहुपद, और यदि चर के अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे, त्रिघातीय बहुपद। यानी कि चर के घातों पर निर्भर करता है, चर के घातों पर कि चर का अधिकतम घात जितना होगा उस बहुपद का नाम वही होता था। तो वहाँ हम लोगों ने पढ़े थे कि अलग अलग बहुपदों के लिए शून्यक निकालने के नियम पढ़े थे कि यदि कोई रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक निकाले थे हम लोग। उसका शून्यक निकालने के लिए सिंपल है कि सीधा क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर कर देते हैं और वहाँ से x का वैल्यू आ जाता है मान, और वही x का जो मान है उस बहुपद का शून्यक कहलाता था। द्विघात बहुपद के लिए हम लोग 2 नियम पढ़े हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा था आपका सिद्धराचार फॉर्मूला द्वारा। तो इस तरह से, और फिर त्रिघातीय बहुपद में भी हम लोग 2 तरह से जाने। तो पहले तो ये था कि यदि त्रिघातीय बहुपद में कोई अचर पद है तो उस अचर पद का गुणनखंड निकालते थे और उसके बाद उस बहुपद में बारी बारी से उस गुणनखंड को x के स्थान पर रखते थे और फिर देखते थे कि किस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, और जिस मान के लिए बहुपद का मान शून्य होता था उस मान को हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते थे, और उसके सहायता से हम लोग एक गुणनखंड प्राप्त करते थे, और उस गुणनखंड से क्या करते हैं कि उस बहुपद को भाग देते थे, डिवाइड करते थे, और फिर वहां से हम लोगों को एक द्विघात बहुपद प्राप्त होता था, और फिर द्विघात के लिए शून्यक निकालने का वही नियम लगा के फिर शून्यक निकाल लेते हैं। तो इस तरह से त्रिघातीय बहुपद के शून्यक निकाला जाता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग शून्यक निकालने के लिए अच्छे तरह से जान गए हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद के शून्यकों और बहुपद में जो चर का गुणांक होता है उसके बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको जानेंगे आज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रमेय पर बात करने वाले हैं जो एक रिलेशन बताता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, जहाँ b आपका क्या होगा, b जो है आपका क्या है, x का गुणांक है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो प्रमेय है आपका, प्रमेय यानी थ्योरम है आपका कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax2 + bx + c के शून्यांक हो, यानी अल्फा बीटा आपका है, इसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, या किसी बहुपद में इसका मान अवास्तविक संख्या भी होता है कभी कभी, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो वहाँ पर मूल जो है आपका अवास्तविक होता है यानी काल्पनिक संख्या होती है। तो यहाँ जो है आपका अल्फा बीटा क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है या कोई भी काल्पनिक संख्या भी हो सकती है, इसलिए हम सीधा कह सकते हैं कि अल्फा बीटा आपका कोई संख्या है। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax2 + bx + c के शून्यांक हो तो α+β = -b/a होता है और α β = c/a होता है। यह एक प्रमेय है, आइए अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि यह प्रमेय कैसे सिद्ध किया गया है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा को क्या कहेंगे, शून्यकों का योग बराबर जो होता है कि आपका x का गुणांक बटे ये क्या आपका x² का गुणांक है, कोफिशियंट है। तो हम लोगों को सिद्ध क्या करना है कि α+β = -b/a होता है और α β = c/a होता है, इसको प्रूव करना है। तो आइए पहले देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। तो जैसे प्रमेय में कहा है
कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक हो। तो यहाँ प्रमेय में कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है आपका इस बहुपद का शून्यांक है। तो शून्यांक का मतलब है कि अल्फा और बीटा का मान जब इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है अल्फा और बीटा के मान के लिए इस बहुपद का मान शून्य होगा। तो वही बात लिखे हैं कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, यानी ये बात दिया हुआ है कि शून्यांक है। तो जब अल्फा और बीटा इस बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो यहाँ कितने शून्यक दिए हुए हैं, दो शून्यक हैं। क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि यदि कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक होता है तो एक्स माइनस ए जो है, यानी ए कोई संख्या है और ए किसी बहुपद का यदि शून्यक है तो एक्स माइनस ए उस बहुपद का एक गुणनखंड होता था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा जो है इस द्विघात बहुपद का शून्यक है तो उस प्रमेय से एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इसका क्या हो जाएगा, एक ये जो है इसका एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा दोनों इसका गुणनखंड होंगे। और हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात जितना रहता है उस बहुपद का शून्यक भी उतने होते हैं, साथ ही उसका गुणनखंड भी उतना ही होता है। यहाँ द्विघात बहुपद है यानी कि चर का अधिकतम घात कितना होगा, दो है, इसीलिए इसका दो शून्यक भी होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है अल्फा और बीटा, इसीलिए इसका दो गुणनखंड भी होंगे जो इस तरह से है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये दोनों आपका क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सिक्स है, सिक्स का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो क्या सब हो सकता है इसका, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, सिक्स होगा, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। और हम लोग गुणनखंड का परिभाषा सीख चुके हैं कि गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी दी गई संख्या में जितने संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। तो इसी तरह छः में इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी क्या होता है, भाग लग जाता है, इसीलिए ये जो संख्या एक दो तीन और छः ये सब के सब इस छः का क्या होगा, गुणनखंड है, फैक्टर है। तो इसीलिए आप देखिए ये सब क्या है, इनके गुणनखंड हैं। तो इन सभी गुणनखंडों को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपका, इस तरह से जब इस सब इन सभी को गुणा करेंगे तो क्या आता है आपका, दो तीन छः छत्तीस आ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि छः बराबर क्या आ रहा है, इधर आए छः, इधर क्या है छत्तीस, इसको जब बराबर करेंगे तो इन साइड जो है आपको कितना छः से गुना करना पड़ेगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फिलहाल ये तो हुआ कि हम इधर छः से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मान के चलिए कि आपको मालूम नहीं है कि छः इधर इधर छः से गुना होगा, आपको यह मालूम नहीं है तो क्या कीजिएगा, तो इसके लिए क्या है कि हम एक अज्ञात राशि, यानी कि अज्ञात राशि इसको मान लेंगे जिसको हम लोग चार से डिनोट करते हैं, यानी के लिखेंगे इसके लिए। जैसे के गुना सिक्स बराबर इधर क्या हो गया छत्तीस, यहाँ से के का आप यदि मान निकालिएगा तो क्या आता है छत्तीस बटा छ, यानी कट के क्या देगा आपको, सिक्स देगा, आपको क्या दिया, सिक्स दिया, यानी कि यहाँ के का मान सिक्स आया। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि यदि इसको सिक्स से गुना किया जाए तो इसका ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते यदि हम इसको छः से गुना कर देते तो। इसीलिए यहाँ जब हम k से गुना किए तो k का मान भी कितना आया है, छः। तो यानी बराबर करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं कि यदि हम इस तरह लिखें कि 36 बराबर 6k, तो यह जो है k का ऐसा मान आएगा जिसके लिए ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो k का काम क्या है, के जो है यहाँ पे एक संतुलन का काम करता है, के जो है इसको संतुलित करता है, बराबर करता है। यदि के को हम इस पार लगा दें 36 की ओर तो भी देखिए इसका कुछ मान आ जाएगा इस तरह से कि 6 बराबर 36 के यदि लिखते हैं हम लोग 36 के, तो यहाँ से यदि हम के का मान निकालें तो आपका क्या होगा 6/36 बराबर के, तो यहाँ से कट के क्या आता है आपका के का मान आ जाएगा 1/6, के का मान आ गया 1/6।
आया कि नहीं। तो यहाँ भी हम यदि लिखें के जगह पे जब लिखेंगे हम लोग 36 गुना 1/6 तो 6×6=36 यानी बराबर हुआ कि नहीं 6/6। तो कहने का मतलब है कि के को हम इन दोनों संख्याओं के किसी भी और लगा सकते हैं, या तो इधर लगा सकते हैं या तो इधर लगा सकते हैं। के का मान जो है अपने इस तथ्य को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग यदि ये दोनों आपका गुणनखंड है x-α और x-β इस द्विघात बहुपद का, तो हम इन दोनों गुणनखंडों के गुणनफल को इसके बराबर कर सकते हैं, इस द्विघात बहुपद के बराबर। इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक कांस्टेंट लगा देंगे। के का काम क्या है, के का काम है इसको संतुलित करना, यानी बराबर करेगा इसको, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ के लगाते हैं, समझ गए। अब के आपका क्या है, तो के आपका कोई अचर संख्या है। के आपका क्या है, के आपका कोई अचर संख्या है। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देना है। इधर जो है के को रहने दिए, इन दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। विजय व्यंजक का गुना तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे जब नहीं जानते भी हैं तो ठीक तरह से समझिए, समझ में आ जाएंगे। जैसे विजय व्यंजक का जब गुना करते हैं तो क्या होता है इसमें, कि पहला पद को रख के इस ब्रैकेट के अंदर जितने लिखे हुए हैं सभी को गुना करेंगे। जैसे आप यहाँ से समझिए, वहाँ क्या है, x-α है, x-α इंटू आपका क्या है, x-β ये है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो x को पहले रहने देंगे और इस इधर जो लिखा हुआ x-β इसको लिख देंगे इस तरह से, फिर इधर -α से इसको गुना करना है x-β को इस तरह से। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, x^(x)²-β(x), इधर -α(x) और यहाँ -γ-α(β), इस तरह से होगा। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या किए, गुना कर दिए। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, और इस पद में भी माइनस लगा हुआ है और इस पद में भी माइनस है। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, साथ ही x को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, x²-, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आपका बच गया β+α। तो β+α लिखिए या α+β लिखिए, एक ही बात है। इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे α+β, और x को भी क्या किया है, कॉमन ले लिए हैं, तो इधर बच गया आपका α+β। तो यही बात हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, इसको इस तरह से गुना कर दिए। यहाँ क्या किए, -− को बाहर कर दिए और यहाँ से x को बाहर किए, बच गया आपका α+β प्लस इधर क्या, α+β। तो अब यहाँ k भी इसके साथ क्या है, गुना में है, तो k से अब इसको गुना कर दीजिए। तो k×x², kx² हो गया, इधर -α+β×kx + kα। अब यहाँ क्या करना है, चूँकि यह दोनों आपस में बराबर है, तो प्रत्येक पद भी आपस में बराबर होंगे। यदि इस समीकरण के बराबर, यानी इस द्विघात बहुपद के बराबर, यह द्विघात बहुपद है, तो कहने का मतलब है इस द्विघात में जितने पद हैं वो इस द्विघात के पद के बराबर होंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x² के गुणांक को, चूँकि यहाँ जो है चार आपका बराबर है, यहाँ भी x है, यहाँ x^0 है, तो यहाँ भी x^0 है, यानी x तो आपका बराबर है। तो अब बराबर किसको करना है, कोफिशियंट को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि x²(x⁻¹) और x⁻¹⁰ के गुणांक को बराबर करने पर। तो अब हम जब इसके गुणांक को बराबर करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक क्या है, k है, और यहाँ x² का गुणांक a है। तो जब इसको बराबर करेंगे तो a बराबर k होगा कि नहीं, इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक। दूसरी बात, यहाँ x का गुणांक है आपका -α+β×k, और यहाँ x का गुणांक आपका कितना है, b है। तो b बराबर हो जाएगा आपका -α+β×k, इसको मान लीजिए समीकरण दो। अब फिर जब x^0 के गुणांक को बराबर करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अचर बहुपद में पढ़े थे कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 0 हो, तो यहाँ चर का अधिकतम घात क्या है, 0 है।
तो सी जो है आपका अचर पद भी कहलाएगा, तो अचर पद को अचर पद के बराबर करेंगे तो सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा। तो इसको मान लीजिए समीकरण तीन। तो अब हमें तीन समीकरण मिल गए हैं, अब इन तीनों समीकरण के मदद से हम लोग इसको निकालना है। तो क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी के है, यहाँ इसमें भी के है और यहाँ के बराबर ए आया है। तो समीकरण दो और तीन में जो है के का मान समीकरण एक से रखेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है कि केस वन पहला शर्त में कि समीकरण दो में, पहले हम समीकरण दो में रखेंगे के का मान, उसके बाद समीकरण तीन में रख लेंगे। तो समीकरण दो में जब के का मान रखते हैं तो क्या आएगा आपका समीकरण दो, क्या आपका बी बराबर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू के। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि कि बी बराबर जब ये है तो इसके बराबर बी होगा, इसीलिए हमने क्या किया कि इसको पहले लिख लिए हैं कि माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, और के का मान क्या है ए समीकरण एक से, इसीलिए हम लोग के की जगह पे क्या रखेंगे ए रखेंगे। यहाँ हो गया आपका माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर बी। अब माइनस ए जो है अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या है गुना में है, मल्टीपल में है, तो इधर आएगा बराबर के इस पार, तो क्या हो जाएगा गुना भागा में हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया आपका माइनस बी बाय ए, जहाँ बी आपका क्या है एक्स का गुणांक है और आपका ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यानी बी हो गया आपका एक्स का गुणांक और ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर प्रूव कर दिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर होगा हमेशा माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए। अब केस टू देखिए, तो केस टू में क्या हुआ कि केस टू में अब के का मान रखना है, तो केस टू आपका क्या है कि के अल्फा बीटा बराबर सी, यानी यहाँ क्या था कि सी बराबर के अल्फा बीटा, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे के अल्फा बीटा बराबर सी। तो अब यहाँ के गुना में है इस पार आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो अल्फा बीटा बराबर सी बाय के, और के का मान समीकरण एक से देखिए क्या है ए है, इसलिए हम लोग के की जगह क्या रखेंगे ए, तो अल्फा बीटा बराबर हो गया सी बाय, जहाँ सी आपका क्या है सी आपका अचर पद है तो अचर पद, और ए आपका क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यदि आपका अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग बराबर हमेशा होता है माइनस ये हो गया बी बाय ए, यानी कि बी हो गया आपका एक्स का गुणांक और ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमेशा इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम लोग अब आगे कि जब भी आपको शून्यक दिया रहेगा और पूछे कि द्विघात बहुपद क्या होगा तो वहाँ इन सूत्रों की सहायता से हम लोग बहुपद ज्ञात कर लेंगे, तो उसको भी देखेंगे। पहले इनको देख लीजिए, तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे हुआ हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा क्या है अल्फा शून्यक है बीटा भी शून्यक है, दोनों को क्या किया गुणा किए हैं, तो इसीलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाय ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही संबंध होता है शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए, ये आपका द्विघात बहुपद के लिए है। तो इस तरह से हम लोग देखें, अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हम देखें कि शून्यक और गुणांक के बीच क्या रिलेशन है संबंध है। अब देखना है यदि आपको मान लिया जाए कि शून्यक दे दिया जाए और पूछे कि बहुपद निकालिए तब कैसे निकालना है, तो उसको निकालने के लिए या जो आप प्रमेय पढ़े हैं इसी प्रमेय के सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो कैसे निकालना है उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं।
एरो देकर लिखिए। तो यदि आपको शून्यक दिया रहेगा तो आपको द्विघात बहुपद कैसे निकालना है, लिखिए। यदि शून्यकों का योग, यदि शून्यकों का योग यानी शून्य क्या माने अल्फा बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा बीटा दिया हो तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद तो यदि आपको शून्यक दिया रहेगा तो यदि और पूछे कि आप द्विघात बहुपद निकालिए तो उसके लिए क्या करना है, पहले शून्यकों को मान लेंगे कि अल्फा बराबर इतना बीटा बराबर इतना, फिर क्या करना है शून्यकों को जोड़ देंगे और शून्यकों के गुणनफल को निकाल लेंगे और उसके मदद से इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे और उस तरह से क्या होगा आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे यह कैसे होता है सूत्र को थोड़ा देख लेते हैं कैसे इसको निकाला गया है। जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लीजिए, ए को जब कॉमन लेंगे तो आपका क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो ए था नहीं तो यहाँ देना पड़ेगा, तो बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय, चूँकि जब हम ए से गुना करेंगे तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जब इस पद को a से गुना करेंगे तो a से a कैंसिल बी एक्स बच जाएगा, और जब इससे इसको गुना करेंगे a से तो a से a कैंसिल और यहाँ बच जाएगा आपका c। तो इसलिए हम यहाँ a को क्या किए बाहर कर लिए, अब देखिए क्या होगा a इंटू एक्स स्क्वायर जहाँ प्लस b बाय a है यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, और माइनस गुना माइनस जो होता है वह प्लस होता है, इसलिए माइनस इंटू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। इसको क्यों नहीं किए माइनस इंटू माइनस, क्योंकि हमें सी बाय ए के लिए फॉर्मूला पता है अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, इसीलिए इसको यहाँ पर प्लस में ही रहने देंगे। तो अब देखिए माइनस बी बाय ए के लिए अभी हम लोग प्रूव किए हैं कि माइनस बी बाय ए के लिए होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो जहाँ माइनस बी बाय ए है यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस बी बाय ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, और सी बाय ए जो आया था यह किसके बराबर था, तो शून्यकों के गुणनफल के बराबर था यानी अल्फा बीटा, तो सी बाय ए के स्थान पर लिखेंगे अल्फा बीटा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए द्विघात बहुपद निकाल लिए। तो इस तरह से द्विघात बहुपद निकाला जाता है, और यह जो द्विघात बहुपद है यह ऐसे द्विघात बहुपद का परिवार का इसे कहा जाएगा, इस द्विघात बहुपद को ऐसे द्विघात बहुपद के परिवार कहा जाएगा जिसके शून्यक जो हैं अल्फा और बीटा होंगे। यानी कि कहने का मतलब है ये आपका वास्तविक संख्या है, ये आपका कोई वास्तविक संख्या है यानी अचर संख्या है, तो ए के जगह हम कुछ भी मान रखेंगे तो बहुपद अलग अलग आएगा, पर प्रत्येक बहुपद का शून्यक हमेशा बराबर होगा समान होगा यानी हमेशा अल्फा और बीटा ही होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक द्विघात समीकरण है 3x² - 9x + 6, यह आपका एक द्विघात समीकरण है, इसका जब हम लोग शून्यक निकालेंगे
तो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो श्रीद्राचार फॉर्मूला लगा के, या तो आपको गुणनखंड विधि से भी निकल जाएगा। तो गुणनखंड लगाते हैं, तो गुणनखंड में क्या बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुना और अचर पद को पहले गुना कर लेना है। तो यहाँ कितना आपका प्लस थ्री इंटू इधर हो गया आपका प्लस सिक्स, तो कितना हो गया प्लस 18 यानी 18। और फिर मध्य पद को इस तरह से तोड़ते थे कि गुना करने पर आपको प्लस 18 हो और जोड़ने घटाने पर माइनस 9x। तो इसको 6 × 3 जब करते हैं तो 18 हो जाता है, जब इसको जोड़ेंगे तो 6 × 3 9 यानी ये प्लस 9 आया, पर लाना है आपको कितना माइनस 9 ना, तो माइनस 9 लाने के लिए 3 के साथ भी माइनस लगा देंगे और 6 के साथ भी माइनस लगा देंगे। और जानते हैं हम लोग कि माइनस गुना माइनस हमेशा प्लस होता है, पर जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो माइनस चिन्ह रह जाता है लेकिन संख्या आपस में जुड़ जाती है, इसीलिए यहाँ माइनस रह जाएगा और 6 और 3 जोड़ देंगे तो 6 × 3 9 हो गया आपका इधर, और इधर हो गया आपका प्लस 18। यानी कि यह जो गुणनखंड देख रहे हैं माइनस 3 इंटू माइनस 6 यह हो जाएगा आपके इस माइनस 9x के स्थान पर हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका हो गया 3x² माइनस 3x माइनस 6x प्लस 6। और जब भी शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद हो उसको शून्य के बराबर कर देंगे, क्योंकि शून्यक का मतलब ही होता है कि x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे तो इस बहुपद के बराबर 0 कर देंगे। तो अब यहाँ से 4 पद हो गया, 4 में से 2 2 का जोड़ा लगा के कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से 3x आपका बाहर हो गया, बच गया x माइनस 1, और यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच गया आपका x माइनस 1। अब 4 पद था, अब हो गया आपका 2 पद। तो इन 2 पद में देख रहे हैं कि x माइनस 1 इधर भी है, x माइनस 1 इधर भी है, तो x माइनस 1 यहाँ से बाहर, आपका बच गया कितना 3x माइनस 6 बराबर 0। तो 2 गुणनखंडों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है या तो यह गुणनखंड 0 होगा या तो यह गुणनखंड 0 होगा। इसलिए एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से x का मान 1 आया, और एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपको x का मान 2 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी यहाँ से x का मान आ गया आपका 2। तो यहाँ जो x का मान 1 और 2 आया है यही इस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा, क्या मानेंगे तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बराबर हो गया आपका कितना, माना अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर क्या हो गया, बीटा बराबर आपका 2 हो गया। अब आपका सूत्र में क्या था कि शून्यकों का योग, तो यानी कि जब इसको जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 2, तो इस तरह से क्या आया आपको 3 आता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ गया। और जब हम लोग निकालेंगे गुणनफल अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान 1 है इंटू 2, क्या हो जाएगा यहाँ से 2, तो यानी कि शून्यकों का योग 3 आया और शून्यकों का गुणनफल 2 आया। तो इन मानों को जब हम लोग यहाँ रखेंगे, यहाँ जब रखते हैं जैसे क्या था कि आपका a इंटू, तो a तो आपका अचर पद है, अचर संख्या है, तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखिएगा, मैं a 3 रखिएगा, यहाँ हो गया आपका 3x प्लस जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ क्या रखिएगा 2, तो यहाँ हो गया आपका 2। तो इस तरह से आपका जो है यह एक द्विघात बहुपद का एक परिवार प्राप्त होता है, इससे हम अनेक द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये आपका कोई अचर संख्या है तो ए के जगह पर हम 2 रखते हैं, जब ए के स्थान पर 2 रखेंगे तो पूरा इधर अंदर जो है आपका पद सभी को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा आपका 2x² माइनस 6x प्लस 4। तो यह भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। यदि हम यहाँ 2 के जगह पे मान लिया जाए अचर संख्या 2 ना लेके हम 3 ले लें, जब 3 लेंगे तो फिर क्या करना होगा, 3 से अंदर गुना करना होगा, जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x² माइनस 9x प्लस 6। यह भी आपका एक द्विघात बहुपद है, और यह भी आपका एक द्विघात बहुपद था।
तो यह जो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू यह भी एक द्विघात बहुपद है, और टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर यह भी आपका द्विघात बहुपद है, और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सिक्स यह भी आपका द्विघात बहुपद है। तो तीनों में अंतर क्या है, यह अलग अलग दिख रहा है पर इन तीनों का शून्यक जो होगा, इन तीनों बहुपद का शून्यक हमेशा एक और दो ही आएगा, इन तीनों बहुपदों का शून्यक हमेशा एक और दो ही आएगा। इसलिए हम लोग इस समीकरण को क्या कहते हैं, तो शून्यक एक और दो वाले बहुपदों का परिवार कहेंगे। तो इसीलिए आगे में ए लगा रहता है, तो ए का मतलब क्या है आपका, अचर संख्या है कोई। तो इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल लेंगे यदि आपको शून्यक दिया रहेगा तो, समझ गए। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद के लिए। अब एक और प्रमेय है त्रिघात बहुपद के लिए, कि आपको यदि त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहा जाए तो उसके लिए क्या कीजिएगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। आइए पहले हम लोग प्रमेय को जानते हैं। त्रिघात बहुपद, अब हम लोग पढ़ेंगे एक प्रमेय जो त्रिघात बहुपद के ऊपर है। वह प्रमेय है यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हो, लिखिए तो यदि अल्फा बीटा गामा किसी त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हो, यदि अल्फा बीटा और गामा किसी त्रिघातीय बहुपद के बहुपद के शून्यांक हो तो शून्यांक हो तो आपका जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी बाय ए, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए होगा। यह एक रिलेशन है त्रिघातीय बहुपद के लिए कि उनके शून्यकों और उस बहुपद के चर के गुणांकों के बीच यह संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, और दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाय ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाय ए होगा। यह आपका प्रमेय है। अब इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करते हैं। तो पहले लिखिए जो बात दिया हुआ है, दिया है तो आपको यहाँ क्या दिया है, आपको यहाँ कहा गया है कि अल्फा बीटा गामा जो है त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है, यानी कि
यहाँ हो जाएगा आपका अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं, दिया है अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। इसीलिए एक्स माइनस अल्फा, इसीलिए एक्स माइनस अल्फा कोमा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा जो है यह तीनों इस त्रिघातीय बहुपद का गुणनखंड होगा। एक्स माइनस गामा